वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजपुरा, सोपोर, बारामूला में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। राजपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज हो चुका है, तो घाटी में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है और घाटी में अभी भी जो आतंकी छिपे हुए हैं उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक लगातार फैलाने की कोशिश जिस तरह आतंकवादी कर रहे हैं, राजपुरा, सोपोर ये वो इलाके जहां पर अभी भी कहा जा रहा है कि घने जंगलों का सहारा लेते हुए आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन ऐसे में उन आतंकियों को ढूंढकर ढेर करने का काम जारी है। कहीं मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, कहीं तलाशी अभियान अभी भी चलाए जा रहे हैं। तो यानी देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं घाटी में, जिसके इनपुट्स इस वक्त सुरक्षा बलों को मिले हैं और इसी के तर्ज पर इस वक्त कई जगहों पर ड्रिल किया जा रहा है। और साथ ही हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि इन आतंकवादियों के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, इनके मंसूबों के बारे में पता लगाया जा सके और साथ क्या ये किस मकसद से इन्होंने घुसपैठ की और कब से यहाँ पर वो रह रहे हैं, किस तरह उन्हें किसी का सहारा मिल रहा है, तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि इनपुट टीम को इस वक्त जुटाने की जरूरत है। और इस वक्त कई ऐसी टीमें जहां गश्त कर रही हैं, तो कई टीमों को ऑपरेशन के तहत में आतंकियों को ढूंढकर ढेर करने के लिए भी लगाया जा चुका है। फिलहाल घाटी में इस वक्त सुरक्षा बल लगातार जगह जगह पर अपनी घेराबंदी किए हुए हैं क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इस बीच इस वक्त अलर्ट मोड पर है तमाम जवान और आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों पहले भी सेना के कॉन्वॉय पर हमला करने की कोशिश की गई थी आतंकियों की ओर से। और इसी वर्ष आपने अब तक बीते 6 महीने का भी अगर डेटा आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह दोबारा सक्रिय हो रहे हैं ये आतंकी। और जब से नई सरकार का गठन हुआ है इस बीच भी अब तक कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और यही कारण है इन दिनों जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की ओर से लगातार मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि इन आतंकियों को ढूंढ करके ढेर किया जा रहा है। फिलहाल लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति से जुड़ी जानकारी उन्हें मिलती है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान अगर किसी को होती है तो फिर वो तुरंत समय रहते ही या तो जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बात की जानकारी साझा करे या फिर सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी दी जाए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या अपडेट है इस वक्त घाटी को लेकर के, क्या अभी भी कई आतंकी छिपे हुए हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर दो अलग अलग जगह पर इस समय एनकाउंटर चल रहे हैं। में कल देर शाम आतंकियों को घेरा गया था और एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहां पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आतंकी छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ श्रीनगर शहर के सेंट्रल कश्मीर के शोपियां का इलाका है, वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर सूचना मिली थी कि आतंकी जो है वो यहाँ हो सकते हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हरबन शोपियां के इलाके में श्रीनगर के पास ये इलाका पड़ता है और यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो काफी गोलाबारी वगैरह हुई है। तमाम इलाके को घेरा गया है, सुरक्षा बल जो है वो आसा आसा करके आगे बढ़ रहे हैं और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जहां तक सोपोर एनकाउंटर का सवाल है, वहां पे भी लगातार पूरी रात भर जो है वो बड़ी बड़ी लाइट लगाई गई और इस पूरी वहां पर नाइट हॉल्ट जो है वो ऑपरेशन को जरूर किया गया, लेकिन फर्स्ट लाइट होते ही जो है वो एनकाउंटर चल रहा है। हम आपको बताते चले, हमारे सुरक्षा बलों ने पिछले अगर हम 15 दिनों की बात करें आतंकवादियों है, जिनमें से अधिकतर आपने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है, बारामूला इलाका है या फिर ये सोपुर का इलाका है, आसपास बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो साथ में पड़ता है, वहां पर
आतंकियों को मार गिराया गया है। लगभग दीपांकर, क्या अभी तक संख्या में इनका पता चल पाया है कि अभी और कितने आतंकी ऐसे हैं जो कि सक्रिय तौर पर घाटी में छिपे हुए हैं या फिर आतंकवाद फैलाने की कोशिश उनके ओर से की जा रही है, ऐसे कोई इनपुट्स में अभी तक कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, इसमें दो किस्म के आतंकवादी है, 5 से 6 ग्रुप्स बताए जा रहे हैं फॉरेन टेररिस्ट के, जो 3 से 4 के ग्रुप्स में अक्सर जो है वो मूव करते हैं। और ये आतंकी जो है वो, इनकी अगर हम बात करें तो ये आतंकी अलग अलग क्षेत्रों में है। इसके अलावा 20 के करीब जो लोकल मिलिटेंट्स हैं वो भी एक्टिव है, यानी कि 50 के करीब कुल मिला के संख्या जो सीनियर अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, वो कंफर्म करते हैं। लेकिन जिस तरह से दो बड़े हमले हुए थे, आपने देखा था जेडमो टनल पर निर्मम हत्या की गई थी 7 लोगों की, और साथ ही साथ गुलमर्ग में जब सेना के वाहन पर हमला हुआ था, उसके बाद तमाम जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में जो सुरक्षा बल है वो व्यापक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि कुछ दिन पहले आपने देखा श्रीनगर शहर में LET का मिलिटेंट मारा गया था, कल 3 घंटे पहले 24 घंटे में सोपोर में अभी तक 3 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं, 2 मिलिटेंट पहले मारे गए थे, 1 मिलिटेंट कल देर रात एनकाउंटर में मारा गया था, और अभी भी दोनों ही एनकाउंटर्स में, चाहे सोपुर के एनकाउंटर की बात करें या फिर ये जो श्रीनगर के शोपिया इलाके की जो हरबन की बात है, दोनों तरफ 2 से 3 आतंकी जो है वो फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन दीपांकर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक और जहां हमने अभी तक सरकारों का रुख भी सुना है और ये कहते हुए हमने देखा था फारूक अब्दुल्ला को कि वो कहते हैं कि ये इन्हीं दिनों ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले तो इस तरीके की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती थी, वो ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया और दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या ये लाजमी नहीं है ये सवाल पूछना सरकार से कि जब से आपकी सरकार बनी है तो फिर आप लोगों को सुरक्षित कैसे महसूस करवा पाएंगे टूरिज्म करने के लिए, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर घूमने फिरने आ रहा है चाहे वो फॉरेन से हो चाहे भारत के ही लोग क्यों ना हो, ऐसे में उनको सुरक्षा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब तो टारगेट किलिंग भी शुरू हो चुकी है? निश्चित तौर पर बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं, और न केवल विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी के बल्कि तमाम लोग जो पूरे देशभर से इस सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं। ये बात तो साफ है कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार हमले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी जरूर एक फैक्ट है कि तब से लगभग 10 के करीब आतंकियों को अलग अलग जगह पे मार गिराया गया है। कुल मिला के जो हाई तरफ हमें बढ़ना है या फिर जो हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्थायी शांति की तरफ आगे बढ़े, उसको लेकर कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, और इसका जवाब अब्दुल्ला को देना है क्योंकि वो इस समय चीफ मिनिस्टर है। और वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो अलग ही रास्ते पे चले गए, उनके 2-3 बयान जो पिछले दिनों आए, उन्होंने कहा कि कौन इनके पीछे है, इन्हें आतंकियों को मार गिराना, ये अरेस्ट करना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए, यानी कि इशारों में अगर हम साफ कहें तो फारूक अब्दुल्ला जो है वो केंद्र सरकार पर या फिर सिक्योरिटी एजेंसी तक पर जो है वो सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है उन्होंने। ठीक है दीपांकर, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई चुनौतियां इस बीच नई सरकार के लिए भी और कई बड़े सवाल भी, इन सवालों के जवाब ये सरकार कैसे देगी इसका तो खैर इंतजार राजनीतिक तौर से करना होगा, और इसे क्या मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जाएगी या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि घाटी में अभी भी जैसे आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें लगातार अलग अलग जगहों से मिल रही है, यहां घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है और दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब सुरक्षा बलों की ओर से किस तरह से यहां कदम उठाया जाएगा, कैसे और ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा, अब ये भी सब हमें समय पर छोड़ना होगा।